हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मैथ्स प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पे और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं कुछ धमाका होने वाला है, कुछ ऐसे क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं जो कि काफी इंटरेस्टेड है। आप हमारे वीडियो पे शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप इस क्वेश्चन को देख के आपको काफी अचंभित होगा कि आखिर ये क्वेश्चन बनेगा तो बनेगा कैसे। तो चलिए हम वीडियो को लास्ट तक आपको ले जाते हैं कि कैसे उस क्वेश्चन को बनाया जाता है। शुरू से लेकर लास्ट तक हमारे वीडियो पे बने रहिएगा ताकि आप इस क्वेश्चन को पूरा पूरा फायदा उठा पाइएगा। तो चलिए, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेटफॉर्म पर और हम यहाँ पे बिना विलंब किए हुए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं, कुछ सीखते हैं। मान के चलिए आपके पास 100 रुपया है। कितना रुपया है? 100 रुपया है, ठीक है। 100 रुपया में से आपको यहाँ पे क्या करना है कि अभी हम यहाँ पे कुछ खर्चा कर रहे हैं फिल्म देखने में, तो कुछ सामान खरीदने में या तो कुछ खाने पीने में। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कितना बचता है, यहाँ पे देखिएगा। मान के चलिए आपके पास कितना रुपया, यहाँ पे 100 रुपया है। कितना रुपया है? 100 रुपया है, ठीक है। आपने खर्च किया, आपने यहाँ पे खर्च कितना यहाँ पे कर रहे हो, यहाँ पे देखिएगा। मान के चलिए यहाँ पे खर्च जो है, सबसे पहला खर्च मान के चलिए आप गुपचुप खाने पे, यहाँ पे गोलगप्पा खाने में यहाँ पे कितना रुपया खर्च कर दिए? 40 रुपया खर्च कर दिए। क्या क्या चीज खाने में? गोलगप्पा, ठीक है। गोलगप्पा खाने में कितना रुपया खर्च किए? 40 रुपया खर्च किए। आपके पास जो शेष जो बचा वो कितना बचा भाई साहब? तो बोलिएगा, सर जी मेरे पास 60 रुपया बचा। कितना बचा? 60 रुपया बचा। अब हम जब गोलगप्पा खाए तब हमारा सोचे कि और कुछ यहाँ पे खा लेते हैं, ठीक है। तब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि कुछ और हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। मान के चलिए यहाँ पे 30 रुपया का हम यहाँ पे कुछ और चीज ले लिए। 30 रुपया का मान के चलिए समोसा खा गए। क्या खा गए? समोसा खा गए, ठीक है। क्या? समोसा खा गए। तो 30 रुपया का समोसा खा गए, पहले 40 रुपया हम गोलगप्पा खाए तो मेरे पास कितना रुपया बचा? 60 रुपया बचा। फिर 30 रुपया समोसा खाए तो जाहिर सी बात है कि मेरे पास कितना बचेगा? 30 रुपया बचेगा, ठीक है। अब जब 30 रुपया समोसा खा गए, 30 रुपया बचा, फिर जाके फिर इससे भी हमारा मन संतुष्टि नहीं हुआ, तो चलिए हम सोचे कि एक हम क्या करते हैं, 18 रुपया का आइसक्रीम खा लेते हैं, ठीक है। क्या खा लेते हैं? आइसक्रीम खा लेते हैं, ठीक है। आइसक्रीम जब हम खा लिए तो मेरे पास कितना बचा? तो बोलिएगा सर जी 12 रुपया बचा, ठीक है। लास्ट का जो 12 रुपया बचा, बोलिएगा अब ये 12 रुपया हमको तो 100 रुपया पूरा पूरी मेला से उड़ा के ही जाना है। तो 12 रुपया बचा, तो 12 रुपया का आप क्या कीजिएगा? तो लास्ट में बादाम ले लीजिएगा, ठीक है। 12 रुपया क्या कीजिएगा? बादाम ले लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 12 रुपया बादाम ले लिए तो मेरे पास कितना रुपया बचा? 6 बचा। लेकिन एक बात है, दो दोस्त तो मिलकर हम लोग गए थे, आखिर 40 रुपये गोलगप्पा के लिए थोड़े खाएंगे, दो व्यक्ति रहेंगे तब एक खाएंगे, ठीक है। अब जब दोनों दोस्त जब हम लोग बात करने लगे कि आखिर मेरे पास 100 रुपया था, फिर आखिर क्या हुआ कि 40 रुपया गोलगप्पा खाए तो दूसरा बोला कि कितना बचा, तो बोला 60 रुपया बचा। फिर पहला बोला 30 रुपया समोसा खाए तो फिर हमारे पास कितना बचा था? तो 30 रुपया बचा था। फिर 18 रुपया का आइसक्रीम खाए तो मेरे पास कितना रुपया बचा? 12 रुपया बचा। फिर जाके 12 रुपये जब हम बादाम ले लिए तो मेरे पास 1 रुपया नहीं बचा। तो वो दोनों क्या बोलता है कि आखिर तो हम यहाँ पे खर्चा तो कर दिए, कितना रुपया खर्चा किए? देखिए 40, 30, 70, 70, 10, 80, सॉरी 40 और 30, 70, 70 और 10, 80, 80, 10, 90 और 8, 2, 10, 100। मतलब कि 100 रुपया हमारा पूरा पूरी खर्चा हो गया, मतलब कि जितना रुपया हम खाए लिए थे उतना रुपया खर्चा। लेकिन जब देखते कि आखिर हम जितना बचाते गए, मतलब एक दोस्त खर्चा कर रहा था, दूसरा दोस्त बोल रहा था, बोला कि आखिर तुम कितना खर्चा किया जोड़ो, तो बोला हम 100 रुपया पूरा पूरी खर्चा कर दिए। तो हल्का बोलता है कि तुम्हारे पास कितना बचा? तो बोलता है कि मेरे पास देखते ही कितना बचा, तो 60 और 30 कितना हो गया, यहाँ पे 60, 6, 7, 8, 9, 90 हो गया, 10, 100 हो गया, 2 कितना हो गया, 102 रुपया हो गया। तो बोला हरी ये कैसे हो गया, तुम तो 100 रुपया दिया था, तुम खर्चा भी 100 रुपया किया है, लेकिन जो हम शेष हम अपने पास बचा है तो 102 रुपया कहाँ से हो गया? 2 रुपया। बोला देखो देखो तेरे पैकेट में होगा। तो बोला नहीं ऐसा बात तो नहीं, मेरे पैकेट में 1 रुपया नहीं था, ठीक है। तब जब दोनों में जब बहस होने लगा तब पता चलता है क्या कि आखिर यहाँ पे कैसे यहाँ पे 102 रुपया आया। काफी यहाँ पे झंझट, मतलब की समस्या होने लगी कि आखिर तो हम तो 100 रुपया ही लाए थे घर से, और जो तुम बचाते गया तो 102 रुपया कैसे निकल गया, जबकि तुम बोल रहा है कि घर से हम 1 रुपया नहीं लाए थे। तो इसी में आप लोग कभी यदि इस क्वेश्चन के यदि जवाब आता होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आखिर यहाँ पे जो 100 रुपया का खर्च में से 100 रुपया तो खर्च हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे शेष का जब हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो 102 रुपया कैसे हो रहा है। यदि नहीं आता होगा तो वीडियो को पॉज कीजिएगा, कुछ देर सोचिएगा, और नहीं समझ में आएगा तो फिर अगले जो स्टेप जो हम बताने वाले हैं देख लीजिएगा। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप पॉज कर लिए होंगे और हमारे वीडियो पे आप देखे होंगे कि कैसे यहाँ पे इसको आखिर यहाँ पे 100 रुपया, यहाँ पे 102 रुपया कैसे है। चलिए हम यहाँ पे बताते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे क्या जानना है कि हमारे पास तो जो मेला में जो लेके गए थे 100 रुपया लेके गए थे, टोटल जो हमारे पास जो था कितना रुपया था टोटल? तो बोलिएगा सर जी हमारे पास 100 रुपया था, और खर्च भी हम उसी के अनुसार से ही किए हुए, तो हमारा 100 रुपया है। मतलब इसका यही चीज मतलब होता है
कि खर्च और शेष मतलब से खर्च और बचत से इसका कोई लेना देना नहीं होता है, खर्च और बचत से इसका लेना देना कुछ नहीं होता है। ठीक है, सपोज हम यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू से बता रहे हैं, मान के चलिए एक पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ है, तो पेड़ में क्या मान चलिए 10 मीटर का पेड़ है, ठीक है, 10 मीटर का पेड़ है। सबसे पहले बात, हम 8 मीटर इसमें हम काट दिए, 8 मीटर काट दिए, तो बचत हमारा कितना बचेगा, 2 मीटर बचेगा, दो ही ना मीटर बचेगा, फिर 2 मीटर फिर हम इसको फिर काट दिए तो फिर कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो देखिए 8 2 10, यहाँ पे पेड़ का मीटर कितना था, 10 मीटर से 10 मीटर आ गया, जबकि यहाँ पे जो बचा मेरा यहाँ पे कितना मीटर है, 2 मीटर है। तो इसीलिए यहाँ पे देखा जाता है क्या कि खर्च और बचत का कोई आपस में रिलेशन नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे जब ऐड किया गया तो 100 रुपया है और यहाँ पे ऐड किया गया तो 102 रुपया है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपके लिए काफी अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। हमारे वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। चलिए हम मिलते हैं एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।